हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूजा ब्यूटी ब्लॉग। मैं पूजा आज आप लोग के लिए लेके माय विंटर वीकली स्किन केयर रूटीन। गाइस, मैं वीक में कैसे फॉलो करती हूँ, ये है मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। मैं एक वीक में मॉर्निंग स्किन केयर ऐसे करती हूँ एंड एक वीक में नाइट स्किन केयर रूटीन ऐसे करती हूँ। अगर आप लोग को नाइट स्किन केयर रूटीन जानना है प्लीज कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए गाइस, ज़्यादा बातें ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि जल्दी से मेरा 1K का फैमिली हो जाए। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बारी आती है स्किन केयर में फेस को क्लीन करने की। तो मैंने फेस को नॉर्मली क्लीन कर लिया है लेकिन मैं ऐसा चीज़ यूज़ करने वाली जो स्क्रब एंड क्लीन दोनों का वर्क करेगा। मैंने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। तो चलिए मैं सबसे पहले अप्लाई क्या करती हूँ वो देखिए। सो गाइस, रोज़ सुबह मैं कर्ड से अपने फेस को वॉश करती हूँ, कभी कर्ड से कभी बेसन से। सो गाइस, आज मैं कर्ड में कॉफ़ी मिला के स्क्रबिंग भी करूँगी जिससे मेरा फेस क्लीन भी हो जाएगा एंड जो थोड़ा बहुत ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स होगा वो भी हट जाएगा, क्योंकि मेरे फेस में बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स नहीं है। इसलिए मैं नॉर्मली स्क्रब करती हूँ। कभी कभी जब मुझे लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा हो गया तो मैं शुगर एंड ये टमाटो ये दोनों मिक्स करके अप्लाई करती हूँ, जो बहुत ज़्यादा स्क्रब के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वो मैं कभी नाइट में कर लेती हूँ। तो आज मैं मॉर्निंग स्किन केयर दिखा रही थी, मैं मॉर्निंग में कर्ड से फेस को ज़रूर वॉश करती हूँ। तो चलिए, तो आज मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। तो गाइस, सबसे पहले मैं कर्ड लूँगी अपने हैंड पे। कर्ड से विंटर में हमारा फेस बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज रहता है, इसके लिए मैं कर्ड अप्लाई करती हूँ। एंड थोड़ा सा कॉफ़ी, आप कोई भी कॉफ़ी ले सकते हैं, कि आप कोई भी कॉफ़ी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा कॉफ़ी लिया है। इसको अच्छे से मिक्स करके अपने फेस पर अप्लाई कर लेंगे। तो एक कर्ड से क्या होता है, दही अगर हम अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो उससे हमारा फेस काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज रहता है और विंटर में मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप देख सकते हैं कॉफ़ी का कलर आया है जो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। चलिए जल्दी जल्दी स्क्रब कर लेते हैं। जिस एरिया में आपको लगे कि ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स ज़्यादा है उसी एरिया में ज़्यादा स्क्रबिंग करें। तो मेरे नोज़ के पास ही अगर होता है, थोड़ा नोज़ के पास ही होता है, तो अच्छी तरीके से स्क्रब कर लेंगे 2 minutes। So guys, अब मैं नॉर्मल पानी से अपने फेस को वॉश कर लूंगी। तो गाइस, मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, थोड़ा सा पैड ड्राई कर लेंगे। तो ऐसे आप देख सकते हैं फेस पे ग्लो, क्योंकि कर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हम फेस पे अप्लाई करने के लिए। तो गाइस, अब हम अप्लाई करेंगे फेस पैक जो मैं वीक में अक्सर फॉलो करती हूँ। मैं अभी तक कोई भी रेडीमेड प्रोडक्ट नहीं यूज़ करती हूँ, मैं DIY करके ही यूज़ करती हूँ अलग अलग तरीक़ों से। सो गाइस, जो मेरा फेवरेट है मैं आज आप लोग के साथ वो शेयर करूँगी, जो मैंने एक दो बार वीडियो में भी शेयर किया हुआ है। तो चलिए, सो गाइस, सबसे पहले एक बाउल में हम लेंगे एक चम्मच कर्ड। एक चम्मच कर्ड ले रही हूँ मैं। सो गाइस, कर्ड के बाद मैं ले रही हूँ 1/2 teaspoon बेसन। ये चने का बेसन है, और कोई बेसन ना यूज करे, चने का ही बेसन यूज करे। एंड उसमें मैं यूज करूंगी ये चंदन का फेस पैक, आप देख सकते हैं आयुर का है ये। मैं इसको हमेशा यूज करती हूँ, नॉर्मली रोज वाटर में मिक्स करके मैं इसको यूज कर लेती हूँ, लेकिन ये मैं ज्यादातर करती हूँ समर्स में रोज़ वाटर में मिक्स करके। बट ऐसे मैं यूज़ करती हूँ कर्ड में मिक्स करके, इससे मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज रहता है, क्योंकि मैं कोई सीरम अप्लाई नहीं करती हूँ अभी इसके लिए। तो चलिए, 1/2 teaspoon मैं ये ऐड कर लूँगी। इसको मैंने रबर लगा के रखा था। सो गाइस, आप देख सकते हैं 1/2 teaspoon मैंने चंदन का फेस पैक यूज़ कर रही हूँ। बाकी अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है तो आप इसमें हनी मिला सकते हैं, बट हनी मुझे सूट नहीं करता, इसकी मैं हनी नहीं मिक्स करती हूँ, क्योंकि मेरा एक्सट्रीम लेवल पर ड्राई नहीं होता है, विंटर पे भी एक्सट्रीम लेवल पर ड्राई नहीं होता है। तो चलिए, अब इसको हम अपने फेस पर अप्लाई कर लेंगे। आप दे
जैसे तो मैंने अप्लाई कर लिया, इसको बस मैं 15 मिनट्स रखूँगी, उसके बाद फेस को वॉश कर लेती हूँ। तो चलिए अब मैं 15 मिनट्स उसको ड्राई होने देती हूँ, उसके बाद फेस को वॉश कर दूँगी। कभी भी फेस पे पूरा ड्राई ना होने दे, हल्का फुल्का ड्राई हो उसके बाद आप फेस को वॉश कर ले। चलिए मैं फेस वॉश करने के बाद आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया, आप देख सकते हैं मेरा फेस कितना क्लीन हो गया है एंड बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज भी लग रहा है। तो इसको मैं अच्छे से ड्राई कर लूँगी। सो गाइस, आप खुद देख सकते हैं कितना ज़्यादा मेरा फेस ग्लो कर रहा है। सो गाइस, आप देख सकते हैं फेस ड्राई हो गया है। तो अब सबसे पहले बारी आती है टोनर की, तो हम सबसे पहले टोनर अप्लाई करेंगे। उसके लिए मैं ले रही हूँ गुलाबी का रोज टोनर, मैं अप्लाई कर लूंगी। स्किन केयर करने के बाद गाइस कभी भी टोनर स्किप ना करें, ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम मॉइस्चराइजर लगाएंगे। सो गाइस, ये ड्राई हो चुका है, अब हम अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर क्रीम ले रही हूँ जॉनसन्स बेबी का राइस मिल्क क्रीम। सो गाइस, आजकल मैं इसको ही अप्लाई कर रही हूँ, इसके लिए मैं इसको अप्लाई करूंगी। सो गाइस, मैंने मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया। अगर आप सीरम अप्लाई करते हो तो आप सीरम भी अप्लाई कर सकते हैं, मॉइस्चराइजर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं बस मॉइस्चराइजर अप्लाई करती हूँ। मैं चेंज करते रहती हूँ मॉइस्चराइजर जो मुझे अच्छा लग जाता है। इस टाइम मैं ये नया अप्लाई कर रही हूँ, अगर ये मुझे अच्छा लगा तो मैं आप लोग साथ इसका रिव्यू जरूर शेयर करूँगी। तो अब मैं अप्लाई करूँगी लिप बाम। लिप बाम भी मैं बहुत अलग अलग लगाती रहती हूँ, तो ये मैं नया ली हूँ हिमालय का लिप बाम, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अभी मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। सो गाइस, ऐसे कंप्लीट होता है मेरा वीकली स्किन केयर रूटीन। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। और प्लीज़ गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल बटन आएगा, इस पर ऑल होगा, तीन बेल बटन आता है बट जो ऑल होगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आगे इसमें कोई भी डालूँ आप उसको सबसे पहले देख सको। चलिए गाइस, अब मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।